सब, इस वीडियो को देखने के बाद एक चीज कंफर्म हो गया कि खेसारी भाई के अंदर थोड़ा सा भी घमंड नाम का चीज नहीं है। बूढ़ो बुजुर्ग का पैर छू रहे हैं, यहाँ पे देखा जाता है, यहाँ पे दो फिल्म चल जाते हैं, तीन फिल्म चल जाते हैं, दो गाने चल जाते हैं, तो लोगों के अंदर इतना स्टारडम आ जाता है, घमंड आ जाता है कि पूरी दुनिया बदल देते हैं। लेकिन खेसारी भाई के अंदर यही चीज अलग बनाता है, इसीलिए हम शायद आज घमंड होता है, गर्व होता है कि हम जिस स्टार के फैन है वो स्टार इतना दरिया दिली है कि भैया गांव में जाके बूढ़ो बुजुर्ग का पैर छू रहा है, भौजी भौजाई लोग से मजाक कर रहे हैं। ये है खेसारी लाल यादव का पावर, शायद इसीलिए खेसारी लाल यादव आज नंबर वन है। हालांकि देखा जाए तो छठ बीत चुका है, लेकिन पूरे छठ में देखा जाए तो खेसारी भाई का दबदबा रहा है हर एक जगह पे। मेरे गाँव में भी खेसारी भाई के कितने गाने बजाए गए, कितने गाने पे नाचे गए, तो भैया देखा जाए तो खेसारी भाई के गाने पे ज्यादा व्यूज है इस साल के। देखा जाए तो नारियल गाना पे सबसे ज्यादा व्यूज है, जिसपे है 13 मिलियंस। उसके बाद जितने भी गाने आए खेसारी भाई के, सब गाने पे अच्छा खासा जो है व्यूज प्राप्त हुआ है। तो इस मामले में देखा जाए तो खेसारी भाई आगे हैं, इसीलिए आगे हैं। दो लोग बोल रहे थे कि मंदिर पे लात मार दिए खेसारी लाल यादव, जाके देखो इस वीडियो को, देखो खेसारी भाई का छठी घाट पे गया हुआ वीडियो वायरल है, 1-1 मिलियन व्यूज आ गए उस पे। बताइए खेसारी भाई के गाना तो छोड़ दो, वो जो पड़ाके फोड़ रहे हैं, पैर छू रहे, उस पे जो है लाख से ऊपर ज्यादा व्यूज आ रहा है यूट्यूब पे। तो यहीं से खेसारी लाल यादव को लोग अलग बनाते हैं यार। मुझे तो कहीं भी नहीं लगा खेसारी भाई के अंदर कहीं घमंड दिखता है यार लोगों, यहाँ यही तो है, यही तो स्टार लोगों को, मैं फैन नहीं बनता हूं, इसीलिए फलाना स्टार को हम सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा घमंड भरा हुआ है कि मतलब बात ही ना करो, जैसे लगता है कि कौन सा मतलब देश का प्रधानमंत्री है, मतलब प्रधानमंत्री भी इतना घमंड नहीं करते होंगे। और इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि काहे इतना रेलता है, काहे से गलत बोलता है, इसीलिए गलत बोलते हैं। यही अगर फर्क जिस दिन मिट गया ना, तो पवन सिंह को तो मैं खुल के सपोर्ट करूंगा, लेकिन यही जो है मुझे सपोर्ट करने नहीं देता, क्योंकि घमंड यार ऐसी चीज है कि आदमी को जो है बर्बाद करने में बहुत अच्छा मदद करता है। और इसीलिए खेसारी भाई को हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि खेसारी भाई सच्चे हैं, अच्छे हैं, सबको सपोर्ट करते हैं। हालांकि खेसारी भाई का लोग जो है फायदा उठा लेते हैं सच्चे अच्छे का, इसीलिए शायद पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री से आज अलग है, परे हैं खेसारी भाई, क्योंकि सब खेसारी लाल यादव से जलते हैं, सब खेसारी भाई से अलग ही है। पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री एक तरफ है, खेसारी भाई एक तरफ है। यही है छठी घाट का वीडियो वायरल हो रहा है, खेसारी भाई का इस छठ में नंबर वन बन के रहेंगे। बस नवरात्र में खेसारी भाई का वही गाने कॉपीराइट स्ट्राइक वजह से थोड़ा गाना जो है दबदबा पड़ा, वहीं पे पीछे रह गए। लेकिन खेसारी भाई का चाहे सावन हो, चाहे आपका नवरात्र हो, चाहे आपको कुछ भी हो, हर एक जगह पे आगे होते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है 9-10 का फर्क। तो अभी होली आने वाली है, होली में फिर से जो है खेसारी भाई का झंडा गड़ेगा, ये मेरा मानना है। बाकी ये वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत ही जो है अच्छा लगा कि हम अच्छे स्टार के फैन है, यही कहना चाहते हैं। बाकी आप सबका क्या मानना है कमेंट करके बताइए, और बोल राधा बोल देखने जाइए, लगा है सिनेमा हॉल में। बाकी आज के लिए इतना है, चलते हैं, नमस्कार।